कहा गया था एक शांतिपूर्वक तरीके से प्रियंका जी और राहुल जी इसमें आए और शरीक हुए और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने प्रदर्शन किया। ये प्रयास किया लेकिन पुलिस जिस तरह से व्यवहार करती है कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही है। बिल जो किसान विरोधी बिल 3 मोदी सरकार लाई है उसके विरोध जताने के लिए हम किसानों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े हैं। देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रहे हैं जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। यह प्रोटेस्ट चांदगीराम अखाड़ा से होता हुआ राजनिवास तक होना था जहां पर एलजी के उपराज्यपाल का घेराव करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, अलका लांबा, मुदित अग्रवाल व किसान कांग्रेस नेता कपूर सिंह सिसोदिया व कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता व हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। सबूत इस बात का कि जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया, हम लोग यहां किसानों की मांग लेके आए थे 3 काले कानून के खिलाफ। राहुल जी और प्रियंका जी ने आज हौसला बढ़ाया, ना केवल हौसला बढ़ाया, किसानों की आवाज एलजी के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ये प्रयास किया। लेकिन पुलिस जिस तरह से व्यवहार करती है कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही है। मोदी जी सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। 108 से ज़्यादा मौतें, 51 दिन से ज़्यादा लोगों का सड़क पर बैठे रहना किसान का, ये दर्शाता है कि किसान और मजदूर की जो बातें करने का दावा था वो खोखला था। और राजनिवास तक पहुंचने के लिए कोशिश की लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी थी और आंसू गैस से गोले छोड़ने वाली वज्र व वोटर कैनन के साथ पुलिस ने तमाम पुख्ता इंतजाम भी किए हुए थे। प्रोटेस्ट शुरू होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहली बैरिकेडिंग तोड़ने में कामयाबी तो ले ली लेकिन प्रदर्शन करते हुए जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही दूसरी बैरिकेडिंग तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता नेता व कार्यकर्ता पहुंचे तो पुलिस के भारी पुलिस बल के सामने बैरिकेडिंग को पार नहीं कर पाए क्योंकि इस बैरिकेडिंग में कटीले तारों के फेंसिंग की गई थी जिसकी वजह से कांग्रेस नेता अलका लांबा गंभीर रूप से घायल हो गई। हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए थे, राहुल जी आए, प्रियंका गांधी जी आए, अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ दिल्ली कांग्रेस का ये विशाल प्रदर्शन हुआ जो किसान बिल, जो किसान विरोधी बिल 3 मोदी सरकार लाई है उसके विरोध जताने के लिए हम किसानों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे। सोचने की बात है किसान ज़मीन पर क्यों हैं, किसानों को ये पता है इस बिल की वजह से वो अपनी ही ज़मीन पे थोड़े दिनों में बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, उसके विरोध में ये प्रदर्शन था। हम कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी पूरी दिल्ली में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है। वहीं से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो रथ में सवार थे वो भी रथ से उतरे और अपना ज्ञापन देकर वहां से वापसी हो गए लेकिन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन लगातार करते रहे जिसमें पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में काफी खींचातानी हुई व हाथापाई हुई। काफी देर के बाद इन कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया जिसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म किया गया। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान रुके हुए हैं। वहीं किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने आज सबसे बड़ा कृषि बिल के विरोध में राजनिवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, हम किसानों के हित में खड़े हुए। राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है कि हम शांतिपूर्वक देश के अंदर के साथ हम लोग खड़े हैं। आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के मार्फत से ये प्रदर्शन रखा गया था एक शांतिपूर्वक तरीके से। प्रियंका जी और राहुल जी इसमें आए और शरीक हुए और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने प्रदर्शन किया। ठीक है, बैरिकेड तोड़ने की बात है तो वो देखो एक प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ के आगे जाने का। 3 बैरिकेड बने हुए थे तो ये शांतिपूर्वक हुआ है। हम फिलहाल ये प्रदर्शन आज कई घंटे लगातार चलता रहा व काफी जद्दोजहद के बाद इस प्रदर्शन को रोका गया। कांग्रेस की चेतावनी है कि यदि कृषि कानून को केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में ये पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। ऐसा मोदी सरकार की तानाशाही में कहाँ पॉसिबल है कि हम लोग वहाँ तक पुलिस हमको जाने देगी।
अगर हम इसको तोड़ेंगे, जो बैरिकेड्स को तोड़ेंगे, फिर कहेंगे कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाए। रही बात चोट फेट की है या और कुछ है प्रोटेस्ट में, चोट फेट तो अगर जान भी देनी पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि हमारे किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं इस जो प्रोटेस्ट तीनों जो काले कानून हैं उनके खिलाफ, तो हम भी हमारे किसान भाइयों के साथ हैं संघर्ष में। अगर हमें भी अपनी जान देनी पड़े तो हम भी देने के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं है हमने खाली बैरिकेड्स के पास जाके हमने कोई अटेंडेंस लगाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपना पूरी कोशिश की है कि किसान भाइयों का साथ देने की, और हम जान देने के लिए तैयार।